नमस्कार, मैं सपना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइम टीवी के दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रविशंकर जी। रविशंकर जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी से जानेंगे आज ग्रहों की चाल कैसी है और समस्या का समाधान क्या है और क्या कहता है आज का पंचांग। ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन रविवार दिनांक 24 दिसंबर 2023। नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, सिद्ध योग चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित। सूर्योदय प्रातः 6:52 पर, सूर्यास्त सायं 5:19 पर, राहु काल शाम को 4:30 से लेकर 6:00 तक, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज क्या है ग्रहों का चाल? ग्रहों का चाल आज धनु लग्न की पत्रिका है, साथ ही बुध और सूर्य लग्न में विराजमान है। तृतीय भाव में शनि स्वराशि का, चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु विराजमान है, पंचम भाव में गुरु वक्री का और चंद्रमा वृषभ राशि में यानी छठे भाव में विराजमान है, साथ ही दशम भाव में केतु, एकादश भाव में शुक्र और द्वादश अपने स्वराशि के मंगल विराजमान है। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहता है आज का राशिफल। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के बारे में। पहली राशि मेष राशि, नौकरी में सम्मान बना रहेगा, व्यवसाय में सावधानी बरतें, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ हो सकता है, यात्रा से लाभ होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि किसी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें, व्यवसाय में लाभ होगा, मन पर नियंत्रण रखें। तीसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भावुकता पर नियंत्रण रखें, पूर्व नियोजित कार्य सफल होंगे, राज काज में सफलता मिलेगी, आय में वृद्धि होगा। अब बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के बारे में। चौथी राशि कर्क राशि, कर्क राशि वालों को नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, विवादित मामला हल हो सकता है, व्यवसाय में उत्तम लाभ हो सकता है। पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि सकारात्मक सोच रखें, नौकरी में परेशानी रहेगी, व्यवसाय में लाभ होगा, घर में शांति बनाकर रखें। छठी राशि कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज भविष्य के प्रति चिंतित रहेंगे, मानसिक तनाव बना रहेगा, योजनाओं में निराशा होगी, व्यवसाय में लाभ होगा। अब पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। सातवीं राशि तुला राशि, तुला राशि वालों को भाग्य सहायक रहेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, अनैतिक कार्य से बचें, व्यवसाय में लाभ होगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, उतावलेपन पर नियंत्रण रखें, नहीं आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, नौकरी में स्थिति प्रतिकूल रहेगी, व्यवसायिक क्षेत्र में व्यस्त रह सकते हैं आज आप। अगली राशि धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आत्मबल बना रहेगा, शुभ सूचना मिल सकती है, नौकरी में आपको सम्मान बढ़ेगा, विरोधी शांत रहेंगे। अब रविशंकर जी अंतिम तीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा ये भी जानना चाहेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में। दसवीं राशि मकर राशि, मकर राशि वाले नई योजनाओं में व्यस्त रहेंगे, आय व्यय में संतुलन बनाए रखें, व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा, विकास के नए अवसर मिल सकते हैं, व्यवसाय में लाभ हो सकता है। अंतिम और आखिरी राशि मीन राशि, मीन राशि वालों को सरकारी क्षेत्र में अटका कार्य बनेगा, पूंजी निवेश से धन की प्राप्ति होगी, साथ ही व्यवसाय में सुधार आएगा। पंडित जी, ये तो रही राशियों की बात, अब तमाम सवाल हमारे दर्शक लगातार मेल के जरिए हमको भेज रहे हैं। अब रुख करते हैं सवाल जवाब की ओर। हमारे पास सवाल आया है अभिषेक जी का, ये गाजियाबाद से हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए अभिषेक जी, आपके नाम से जो आपकी कुंडली बन रही है वो मेष राशि की है, आपका अभिषेक नाम है, मेष राशि। मेष राशि
इस समय मंगल जो है अपने स्वराशि का चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। साथ ही 25 तारीख की सुबह वहां पर शुक्र महाराज भी आ रहे हैं जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। साथ ही 2024 देखा जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो व्यापारिक लाभ होगा, आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही बस आपको करना इतना है कि आप कोई भी कार्य जल्दबाजी से ना करें। साथ ही आप आज के दिन सूर्य का उपासना जरूर करें। इस समय धनु संक्रांति चल रही है, सूर्य आपके तेज को बढ़ाएंगे, आपके मन को शांत रखेंगे और आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। साथ ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कभी कभी अपनी बातों को आप रख नहीं पाते हैं और आपका कार्य आपके हाथों से निकल जाता है, तो अगर आप सूर्य की उपासना करेंगे तो ऐसा संभव है। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन का विशेष क्या है और किस राशि के लिए कितना अनुकूल है आज का दिन। मैं विशेष आज का दिन है कि अगर इस समय धनु संक्रांति चल रही है, भगवान सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके कुंडली में सूर्य नीच के हैं या निर्बल हैं, तो आप इस एक महीने 15 जनवरी तक 16 जनवरी तक आप विशेष उपासना कर सकते हैं सूर्य की। अगर इस समय आप सूर्य भगवान की सूर्य नमस्कार करते हैं या सूर्य को डेली अर्घ देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति होगी। साथ ही आपके कुंडली में जो आपको मानसिक तनाव रहता है, आपका सर बहुत भारी रहता है, आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आप प्रतिदिन सुबह स्नान जल्दी कर एक तांबे का लोटा लेकर उसमें लाल रोली, गुड़, चावल, लाल फूल हो सके तो वो भी डालकर ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करें जल देते हुए। साथ ही अगर हो सके तो ओम घृण सूर्याय नमः का एक माला भी जाप करें, आपका सूर्य मजबूत होगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही आज किस राशि वाले क्या उपाय करें तो उनके लिए बेहतर हो सकता है। मेष वृश्चिक वाले गाय को गुड़ खिलाएं तो आपका दिन अच्छा रहेगा। साथ ही वृषभ तुला राशि वाले गाय को आटे से बनी रोटी या कोई मिष्ठान खिलाएं तो आपके कार्य में सफलता होगी। साथ ही मिथुन कन्या, आप हरे वस्तुओं का दान करें, कर्क गाय को रोटी खिलाएं। साथ ही सिंह राशि वाले सूर्य की विशेष उपासना करें तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। धनु मीन राशि वाले लाल वस्तुओं का दान करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। मकर कुंभ वाले गाय को लाल लड्डू खिलाएं या लाल लड्डू गरीबों में बांटें तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। आज रही बात किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है। आज मेष, वृषभ, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए अनुकूल है, शेष राशि वालों को थोड़ा प्रतिकूल है, लेकिन बताए गए उपाय अगर आप करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने राशि के प्रतिकूलता से बच जाएंगे। धन्यवाद पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय चक्र में आपसे फिर होगी मुलाकात। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।